हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि हमारा टाउनल 8 की जर्नी चल रही है, आज जो अपग्रेड हम लोग करेंगे वो शायद फाइनल अपग्रेड हो, क्योंकि अभी सीज़न ख़त्म हुआ है। अभी मतलब कल सीज़न ख़त्म हुआ तो हमें हमारे 50 लाख तो मिल ही गए। स्टोरेज तो फुल है। एलिक्सर देखो, ऑलमोस्ट वन मिलियन से भी ज़्यादा ही एलिक्सर है। और डार्क एलिक्सर भी ओवरफ्लो हो रहा है, सब कुछ ओवरफ्लो। और लैब में है डार्क ट्रिप्स बाकी है, तो वो भी कर लेंगे, हम लोग करते रहेंगे। तो गाइस, आपने नया सीज़न देखा, कैसा लगा नया सीज़न? मुझे तो भाई लेने लायक लग रहा है सीज़न, बट फिर भी नहीं ले सकता मैं गोल्ड पास। वार्डन की स्किन देखो भाई, सब ओपी है सचमुच, बहुत मस्त स्किन है। कैस मतलब सीओसी वाले ने ज़रूर टाइम लिया लेकिन दिया है। ग्लेडिएटर वार्डन का भी स्किन दिया, ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्रह्मदेव है। तो गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हमारे पास स्टोरेज फुल है ऑब्वियसली। आज हमारे पास सिर्फ आर्चर टावर बचा है, हाँ सिर्फ आर्चर टावर बचे हैं मैक्स करने के लिए। उसके बाद ट्रैप्स वो तो हम लोग कर लेंगे। ये है एक आर्चर टावर जिसको लगेंगे 15 लाख और एक दिन लेगा। 15, 15, 30, 45, 60 तो ठीक है। हमारे पास कॉइन्स है प्लस ट्रेजरी भी फुल है, तो चलो फिर लगाते हैं आर्चर टावर को। अपग्रेड उससे पहले हम लोग करेंगे CWL में अपना पहला अटैक। तो यहाँ हम लोग लीड में है, 5 स्टार मारा है हम लोगों ने, 2 स्टार मारा है उन सामने वालों ने। एनिमी ने 2 स्टार मारा किस पे? भी मेरे ही बेस पे मारा। सीज़न के बाद तो हम लोग अभी तो फ़िलहाल नया अभी जो है स्टार्ट हुआ है क्लैन वॉर लीग, तो ऑब्वियसली अभी ज़्यादा कुछ रैंकिंग में फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम, अपग्रेड्स पे लगाते हैं। CWL में भी अटैक करेंगे। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना और लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना। कमेंट तो मैं तो यही बोलूँगा कि कुछ भी करो मगर कमेंट करो अपने, और वीडियो को शेयर करो हर एक अपने फ्रेंड जो क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता है, शायद ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस लास्ट वीडियो में जैसे ही हम लोग ने हमारे हिडन टेस्लस को मैक्स किया था, तो आज हम लोग आर्चर टावर मैक्स करने वाले हैं। आई होप हाँ हो जाना चाहिए सारे आर्चर टावर, हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। फिलहाल एक बचेगा तो मैं कर लूँगा बाद में। उससे पहले एक अटैक तो बनता है, वैसे भी सामने ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं, ये जो है इनका बेसिस, हम लोग इस पर थ्रेशर कर ही सकते हैं। वैसे इसके होगा क्या इससे क्लैन का असल में, वो मुझे मालूम करना है कैसे भी करके, क्योंकि ड्रैगन निकला तो भाई सचमुच मुझे नहीं चाहिए ड्रैगन। इसके ऊपर तो 2 स्टार हो चुका है वैसे भी, तो देखते हैं करेंगे या फिर दूसरे बेस पे भी करें। नहीं चलो फर्स्ट बेस, सब बेस सेम ही है, सब इजी बेसिस हैं, हम लोग कर सकते हैं 3 स्टार। कोई ऑनलाइन है क्या? अरे यार जाओ ना, पहले अटैक मारो। तो इसकी सीसी पहले लूट करेंगे, हमारी आर्मी वही है गोवाइप, तो सीसी लूट करके विजर्ड्स। ठीक है, तो गॉब्लिन जाएगा? गॉब्लिन नहीं, बारबेरियन एक वॉल का छोड़ना पड़ेगा, वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो चलो अटैक करते हैं। तो हम लोग यहाँ से अटैक करेंगे 12 o'clock, 1 o'clock पे एक वॉल ब्रेकर सीलियर हो गई, इसमें से निकले हैं सारे रिजार्ट्स। तो एक पक्का, 2 पक्का, उधर 2 रिजार्ट्स दे देते हैं पक्का को। गोलेम किंग
फिर तो पेकास वो विजार्ड्स खा रहे हैं मेरे पेका को विजार्ड्स भी। चलो विजार्ड्स डाउन हो गए, तो हम लोग वॉल ब्रेकर भी जा रहे हैं। सीसी ओ विजार्ड्स को मैंने छोड़ा ही नहीं। अरे सिलेक्ट हो जल्दी, जाओ अंदर बेस में गोल में। एक रेस दे देते हैं, चलो हम लोग की सीसी भी गई यहाँ पे। ये अटैक थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि हम लोग ने ऑब्वियसली बहुत लेट कर दिया। ये स्केलेटन्स को एक पॉइजन दे दिया यार, स्केलेटन्स बहुत परेशान करते हैं। अटैक थोड़ा स्लो भी जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। ओके ठीक है, चलो अब सही है, अब 3 स्टार है, मैं मान सकता हूँ ये अटैक 3 स्टार है। सब एक ही जगह पे हैं तो बस टाइम देके किल डालना है हम लोग को। ओके चलो यहाँ डाल लेते हैं किल, किंग को दे देंगे बिल्डिंग, बाकी तो अपना क्लीनअप है। जा गॉब्लिन और एक बार बैरियन है, तो वेट करते हैं उसे। 3 स्टार तो हो गया है। गो वाइप का ये फ़ायदा बहुत अच्छा है कि जहाँ अगर मतलब विजार्ड के सामने सामने जो ट्रूप्स चल रहे हैं आगे, वो विजार्ड को कवर दे रहे हैं, मतलब विजार्ड कवर देते तो अच्छा लगता है। गो वाइप की मेन यही तो स्पेशल बात है कि मतलब आगे आगे कोई हार्ड ट्रूप जो मतलब सारा डैमेज रोक ले और पीछे विजार्ड को भी क्लीनअप करने का मौका दे, वैसी स्ट्रैटेजी है ये। देख रहे हो ओ जायंट बच गए, वो सब विजार्ड्स बच गए, सिर्फ 2 विजार्ड्स कुर्बान। और इसी के साथ ये अटैक भी हो गया 3 स्टार, हमारा पहला CWL का अटैक 3 स्टार हो गया। बस उतना इजी कुछ था नहीं बेस में, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि हम लोग CWL ख़त्म होने तक शायद नंबर 1 पे हो या फिर नंबर 2 पे भी हो सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं। तो वैसे चलो लगाते हैं अपग्रेड पे। ये गया पहला एच टावर, ये गया दूसरा, ओ तो इधर से ये तीसरा। ऑब्वियसली एक एच टावर बचने वाला है, तो कौन सा लगाओ, इसको लगाओ कि इसको लगाओ? हाँ चलो इसको लगा देते हैं, तो वो एच टावर को हम लोग बाद में अपग्रेड कर लेंगे। चल हो गया, मुझे लगा रिसोर्स शायद कम ना पड़े कॉइन्स, लेकिन तो गाइस हो गया अपग्रेड में, हम लोगों ने लगा दिया आज चटा उसको। अभी बस कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्या सिर्फ ट्रैप्स बचे हैं, सिर्फ ट्रैप्स और एक आज टावर जो कि हमारे पास है, हमारा ट्रेजरी, उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस कैसा चल रहा है आपका क्लैन वॉर लीग, कमेंट में बताना ज़रूर, आई होप बढ़िया होगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, तो जैसे कि हम लोग ने आर्चर टावर्स पे मैक्स करने पर लगा दिए, तो हम लोग शायद रेडी है कि अपनी पुशिंग के लिए। पुशिंग तो हम लोग अभी तो गोवाइप करेंगे स्लोली, उसके बाद ड्रैगन इलेक्ट्रिक स्पेल में मैक्स हो रहा है, फिर ड्रैगन से पुशिंग करेंगे। और जब तक हम लोग मैक्सिमम मास्टर तक या फिर क्रिस्टल तक नहीं पहुँचते हम लोग, तब तक हम लोग हॉग आर्मी और गोवाइप यूज़ करेंगे। फिलहाल हॉग भी मैक्स करना है, तो उसके बाद ड्रैगन ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आगे तो बड़े बड़े टाउनल मिलेंगे, तो एयर अटैक ही मुश्किल से बस परसेंटेज निकालना है, कैसे क्योंकि 50% टाउनल ना फूटे कैसे क्योंकि 50% 1 स्टार ऐसे निकालना ही निकालना है, हारना नहीं है मैचेस लाइफ हम लोग। बस ये होने के बाद CWL के बाद हम लोग चलेंगे हमारी लेजेंड पुशिंग करने। तो मैं यहाँ पे मेरा टैग भी लगा देता हूँ, टैग चेंज करता हूँ, एक क्लैन वॉर लीग रहने देता हूँ, कॉम्पिटिटिव एमेच्योर टैग। तो चलो ट्रॉफी पुशिंग सेव, अब हम लोग करने वाले ट्रॉफी पुशिंग गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस, क्लैन में आ जाओ यार, क्लैन में आओ, प्लेयर्स की ज़रूरत है। अभी ये वॉर देख रहे हो, हमारे पास भी वैसे भी ये सब रश प्लेयर्स ही है, तो कोई अच्छे प्लेयर्स भी आते हैं तो
और खेलने में हम लोग को भी आसानी पड़ेगी और आप लोग को भी मज़ा आएगा। तो ज्वाइन करो क्लैन यार गाइस, ज्वाइन करो प्लीज़। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, बेल आइकन दबा देना और कमेंट करना। ओके चलो बाय।